हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बारे में। दोनों टीमों के लिए ही ये मैच जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीमों को अगर क्वालिफाई करना है टॉप फोर में तो ये मैच दोनों टीमों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैच जो कोलकाता में होने वाला है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच अभी तक रहा है और शायद इस मैच में जो है बहुत ही अच्छी जो है एवरेज स्कोर अगर आप मान के चले 175 है तो आप चाहें तो ज़्यादातर बैट्समैन को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छे जो है मैच ड्रीम 11 पे विन कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो अराउंड 4 घंटे बाकी है मैच शुरू होने में, तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़। ये मेरी एप्लीकेशन है जो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप जैसे ही एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का प्लेइंग 11 का जो है ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आपको अगर कोई न्यूज़ होता है तो न्यूज़ भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सिंपली ज़्यादा प्लेइंग 11 पे कॉन्सेंट्रेट किया है ताकि आप लोगों को पता चले। विकेट कीपर पर कोलकाता के लिए दिनेश कार्तिक, बैट्समैन पे नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन, शुभमन गिल, ऑलराउंडर पे एंड्री रसेल एंड सुनील नारायण, कुलदीप यादव, जेवन सर्स, पीयूष चावला और प्रदीप कृष्णा। सो फ्रेंड, इस मैच में शायद कोई चेंजेस ना देखने को मिले कोलकाता की तरफ से, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस मैच जो है विन किया हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान भी जो है पहला मैच जीत चुका है, तो शायद वो लोग भी जो है इस मैच पर चेंजेस ना करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉर्ज बटलर विकेट कीपर पर, रहाणे, समसून, दासी शॉट या फिर स्टुडविनी जो है बैट्समैन के ऑप्शन पे है, और ऑलराउंडर के ऑप्शन पे करीबा, गौतम बेनस्टोक, जोफ्रा आचार, जयदीप उनटकर, श्रेयस अय्यर, धवन कुलकर्णी। मेरे हिसाब से एक अगर पॉसिबल चेंजेस हो सकती है वो है दासी शॉट की जगह जो है किसी यानी कार्लसन को जो है मौका मिल सकता है। ये एक पॉसिबल चांसेस है जिसके चांसेस बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके एप्लीकेशन पे बता सकते हो, और आप जीवो में कुछ विन भी कर सकते हो अगर आप मेरे वीडियो में कमेंट या लाइक करते हो। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी ड्रीम 11 टीम बनाने में और बहुत ही अच्छी विन करने में। तो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे जॉर्ज बटलर, और हालांकि मैं आपको एक ग्रैंड लीग की टीम दे रहा हूँ तो बहुत ही रिस्की है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर कर लेना। वहीं पे अगर आप इस ग्रैंड लीग खेलते हो तो आपके लिए दिनेश कार्तिक भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम बनाया और मैंने यहाँ पे जॉस बटलर के साथ ही मैं यहाँ पे गया हूँ। तो फ्रेंड, अदर बैट्समैन पे मैंने यहाँ पे संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन और शुभमन गिल को लिया है। आप चाहें तो अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा और जो है दासी शॉट को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप स्टुडविनी को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रेडिट मेंटेन करने के लिए शुभमन गिल को लिया है। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो मैंने यहाँ पे सुनील नारायण, बेनस्टोक और करीबा गौतम को लिया। आप चाहें तो अंडर रेसल को ले सकते हो बेनस्टोक की जगह। इसके अलावा आपके पास जो बॉलिंग में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि जोफ्रा आर्चर को आप मिस मत कीजिए अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो। उसके बाद आप चाहें तो धवल कुलकर्णी, जयदेव उनटकर को ले सकते हो, सूरीप जो है राशिद शॉट की जगह आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुलदीप यादव वगैरह, अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे जेबोन सल्स को लिया है, जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन प्रीवियस मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी मार खाई थी। तो इसके अलावा आप चाहें तो श्रेयस गोपाल को भी ट्राई कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रह सकते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में, तो मैंने यहाँ पे जो है नारायण को एज़ अ कैप्टन लिया है और संजू सैमसन को एज अ वाइस कैप्टन लिया है। अब ऐसा इसलिए भी मैंने ग्रैंड लीग का टीम बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। हर बार ऐसा नहीं होता कि अगर आप रिस्क लो ग्रैंड लीग में तो ही आप ग्रैंड लीग जीतो। अगर आप सिंपल सा कुछ टीम बनाओ जिसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रहाणे को नहीं लिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड्री रसेल को नहीं लिया है। अब आप एक और टीम बनाओ जिसमें रहाणे और एंड्री रसेल को दोनों ले लीजिए
और जो विकेट कीपर पे आप दिनेश कार्तिक को ले लीजिए, तो फ्रेंड आप अराउंड दो टीमों में से बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के खेलोगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ड्रीम 11 की रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।